हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का स्ट्रेटजी प्लान, जो प्रीलिम्स के लिए आपका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो अभी नवंबर महीना बीत चुका है, दिसंबर का फर्स्ट वीक है। ठीक है, सर्दी का मौसम है, पढ़ने का मन नहीं होता होगा आप लोग का, है ना। एंड देयर आर इन टाइप ऑफ इश्यूज लाइक पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। तो कैसे अपने आपको मैनेज करें, और जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है 2020 अप्रोक्सीमेटली, वो 4 to 5 months अब आपके आगे रहेगा, क्योंकि दिसंबर फिर अगर निकल गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 months, और लास्ट 1 month जो है सो आपका पूरा का पूरा पैकेज हो जाएगा, वो रिविजन में चला जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का, जो आपका 120 डेज का जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास समय बचा है, इसको आप कैसे इफिशियंटली यूज करो, और अपने आप को इतना सुनिश्चित कर लो, इतना सिक्योर कर लो कि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, इस हक से बोल रहा हूं कि मैंने भी यूपीएससी 4 बार दिया है। 2 बार हमने प्रीलिम्स निकाला था, 2 बार मेंस लिखा हूं, 2016 एंड 2017 में। 2016 में मेरा मार्क्स 132 रहा था, तो उस समय का काफी अच्छा मार्क्स था। टॉप मान लो कि 800-900 स्टूडेंट्स में आपका 132 मार्क्स में मैं आराम से वहां फिट हो रहा था। ठीक है, 1 मार्क्स से मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विसेज का जो मेंस है वो भी फाइनली क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो अलग बात है। बात है कि आप प्रीलिम्स में उतने मार्क्स, 100+ मार्क्स, क्योंकि अभी कैसे आप अचीव करोगे, कैसे आप 100 मार्क्स का जो बैरियर है उसको क्रॉस करके आप ऊपर आओगे, और खुद आप उसी दिन एग्जाम देकर बाहर आओगे, और अपने आप में एक फीलिंग आने चाहिए कि हाँ भाई मेरा तो होना है। ठीक है, जब आप आंसर शीट मिलाते हो, तो ये कब होगा कि जब आपका मार्क्स जो है सो 120-130 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, कि मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो फिर मैं उसी दिन से या नेक्स्ट डे से होपफुली 1-2 दिन आप रेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद है सो मेंस का जो तैयारी है वो रिजल्ट आते आते तक आपका तैयारी मेंस का 40-50% हो जाना चाहिए, तब जाके आपका मेंस में सिलेक्शन होने का जो है प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं चूंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूं, और IAS मैथ्स अकेडमी आप लोग का ख्याल रखता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेकर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल आप कब दे पाओगे, जब आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आपका प्रीलिम्स कैसे निकलेगा 100 दिनों में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी 1 टाइम, 2nd टाइमर और 3rd टाइमर। ठीक है, और कि आप यूपीएससी इससे पहले दे चुके हो। ठीक है, तो 2 कैटेगरी के लोग होंगे, जो ऑडियंस होंगे, जो हमारा हमारी बात है वो सुन पा रहे होंगे। एक वैसे ऑडियंस होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, और एक ऐसे ऑडियंस होंगे जो एक बार मिनिमम यूपीएससी का एग्जाम में बैठ चुके होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि 2 टाइप के जो लोग होंगे, बिल्कुल एक फ्रेशर होंगे, ठीक है, और क्या है 1+ बोल दो इसको, 1+ कहने का मतलब 1+ अटेम्प्टर, जो आपने सिविल सर्विसेज इससे पहले जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं, whether you have failed or passed in the examination, it is not of our concern. ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि जो fresher है और attempter है वो कैसे इस चीज को differentiate कर पाए, और कैसे आप लोग prelims है सो दोनों लोग clear कर। तो जैसे देखो prelims में कितने चीज आते हैं, 4 से 5 topic जो है सो broadly important है आपका, जैसे कि first हो गया history, हो गया Indian history। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है इंडियन हिस्ट्री, ओके, सेकंड होगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होगा आपका ये इकोनॉमिक्स का आता है, इकोनॉमिक्स का आएगा। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स, इसी में मैं इसको डाल रहा हूं, करेंट अफेयर्स। तो ब्रॉडली हम लोग चीजों के बारे में बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री कैसे करना है आपको 100 दिन में। मान के चल रहा हूं कि आपने 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है,
तो उसके बाद कुछ चीज ऐड कर दूंगा जो फ्रेशर लोग होंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफी वैल्यूएबल हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 बार अटेम्प्ट दिया है, कई बार पेपर भी सेट किया है प्रीलिम्स का, जो टेस्ट सीरीज होता है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स का, ठीक है, खुद का भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ काफी सारा। तो एक जो एक्सपीरियंस होता है, जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि आपका बेनिफिट हो जाए, मैक्सिमाइज कर पाओ आप अपना स्कोर, ठीक है, इन यूपीएससी प्री 2020। तो जैसे मान लो इंडियन हिस्ट्री आप सिंपल बेसिक किताब आपने पढ़ लिया है, एनसीईआरटी विपिन चंद्र, ठीक है, तो अब देखो कि इधर 2-3 साल में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, कभी आपका आ जाता है कि बाप्टिस्टा के बारे में पूछ लिया था, डायमंड कौन कब पाया जाता था, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो ये कुछ फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चन में उलझना नहीं है आपको। अगर आप इन सारे क्वेश्चन में उलझ जाओगे, और जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि वेदर हॉर्स वॉज फाउंड इन इंडियन वैली सिविलाइजेशन और नॉट, तो उसका कोई साक्ष्य कोई प्रमाण उतना था नहीं। तो ऐसे चीजों में आपको नहीं आना, ऐसे चीजों में आप फंसोगे तो फिर आपका क्या होगा कि स्कोर डाउन होगा और जो मेन फोकस है उससे आप डिविएट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक चीजें करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन किया, संस्थापक कौन था, किस लिए हुआ, ठीक है। और आजकल कई बार है सो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है सो यूपीएससी में निकल के आ रहे हैं, तो उसको करने के लिए आपको 1-2 बुक जो है सो और आपको इंडियन हिस्ट्री का करना पड़ेगा, ठीक है। शेखर बंदोपाध्याय है वो सब बुक जो है, बैटल टू पलासी वाला बुक, उसको आप एक बार ले लो, अगर आपने पढ़ा है आपके पास है तो उसी से एक बार आप रिविजन कर लो, तो वो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, प्रीलिम्स में काफी सारे चीज जो है सो उसमें आपको मिल जाएगा। एक और बुक है इंडियन हिस्ट्री के लिए, सुमित सरकार, ठीक है, मैं दोनों चीज लिख देता हूं कि एक सुमित सरकार इज अ वेरी गुड बुक, और एक्चुअली एक कम्युनिस्ट माइंडेड बुक लिखा गया है सुमित सरकार, थोड़ा कम्युनिस्ट ओरिएंटेड ये चीज बुक में आपको मिलेगा। तो इससे फायदा क्या है, यूपीएससी में आप उठाकर देखो 2018-19-17 सब में एक कम्युनिस्ट का क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब हुआ, है ना। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में आया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें भी पूछा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट बार है सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हो गए थे, ठीक है, चाहे किनको वोट सबसे ज्यादा मिला था। तो ऐसा क्वेश्चन जो है सो आपको इंडियन हिस्ट्री का बुक में ही मिलेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस जाओगे तो तभी तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं, तो आपको वहां मिल जाएगा सुमित सरकार में। मेनली ये क्या है, कम्युनिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे ये आपको मिल जाएगा, पतली सी किताब है, आप 5-7 दिन में इसको खत्म करके इसको साइट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड बुक इज शेखर बंदोपाध्याय बैटल टू पलासी, ये भी काफी अच्छी बुक है, इसको भी आप एक बार रिविजन कर लो, ठीक है। बाकी आप बिपिन चंद्रा तो आप पढ़ते ही हो, जो कि कांग्रेसी आदमी थे वो, ठीक है, बिपिन चंद्रा, तो उनका भी किताब काफी अच्छा है, उस किताब को ही पढ़ोगे तो आपको नेहरू मतलब कांग्रेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस जितने आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, गांधी कांग्रेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशंस है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको, कम्युनिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन आपको सुमित सरकार से मिल जाएगा, शेखर बंदोपाध्याय में कुछ थोड़ा बहुत मिसलेनियस मिलेगा, है ना, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आजकल यूपीएससी में काफी ट्रेंड में आ चुके हैं, अगर आप वैसे नहीं पढ़ोगे तो इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है सो आपसे मिस हो सकता है, ओके। मेडिवल के लिए ज्यादा एफर्ट मत मारना, नई वाली जो एनसीईआरटी है मेडिवल के लिए, नई वाली एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है, और साथ में जो आपका जो बेसिक होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में कहते हैं ना बेसिस एंड डायमेंशन लोग पढ़ते थे, तो बेसिस होता था कि मिनिमम लेवल ऑफ चीज है, उसके बाद आप वेक्टर स्पेस क्रिएट करते थे। मैं काफी मैथ्स के लोग भी होंगे अभी वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, तो बेसिक जो है जो आपका बेसिस है, ठीक है, वो कौन सा बुक आएगा आपका, तमिलनाडु का 11-12, उस किताब को कभी मत भूलना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उससे आए हैं जो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, ओके। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो 11th वाली क्लास की किताब है
बार बार उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, कभी बदम पानी पूछेगा, कभी अजंता पूछेगा, कभी एलोरा पूछेगा, कभी महाबलीपुरम पूछेगा, अभी मोदी जी गए थे साउथ में, ठीक है, तो वहां से भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है, महाबलीपुरम, तो उसके बारे में पूरा खोजो कि कौन डायनेस्टी किया, किया कहाँ कहाँ है, उसका स्कल्पचर्स कैसे है, वहां मंदिर कैसे है, कौन बनाया था मंदिर, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के मंदिर तो नहीं है, है ना। आप गूगल सर्च करोगे तो कभी कभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि कौन सा जगह है जहाँ पे एक मंदिर पाया जाता है जिसका फ्लोरिंग जो है, ठीक है, स्टार शेप किया गया है, ठीक है, स्टार शेप टाइल्स वगैरह लगाकर उसको किया गया है, तो वो खगोल विज्ञान जो आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजी उसको मानते हुए वो मंदिर बनाया गया है। कौन सा मंदिर है और वो कौन बनवाया था जो कि इंडियन पार्लियामेंट की तरह दिखता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ ले सकते हैं। एक आध बार ये क्वेश्चन मैं भी देखा हूं और इसका फिगर देखो कि लगेगा कि हाँ ये तो सर एकदम बिल्कुल इंडियन पार्लियामेंट का प्रोटोटाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री आप इतना कर लोगे, तो हमने बता दिया आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, मैंने बता दिया आपको मेडिवल हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री आप कर सकते हो आर एस शर्मा की किताब से, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा जो है इनकी किताब पढ़ लेना, आप पढ़े भी होगे, एक दो बार रिवीजन मार दोगे, तो आपका इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है, मान लो 15 से 16 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप 10 क्वेश्चन को टिक करके आ जाओगे और सही सही टिक करोगे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। तो क्या है, ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है करेंसी चेस्ट की तरह, मैं इसको बात करता हूँ, इसमें नोट रखा हुआ है भाई, है ना, आपको जाना है वहां से ऐसे निकाल लेना है जैसे आप ATM से पैसे निकालते हो, है कि नहीं। तो कुछ कुछ चीज है नोन है कि हाँ भाई यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये चीज मिलेगा, मैं अगर इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, मैं अगर इंडियन इकोनॉमिक्स का अगर पढ़ रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का चीज है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ तो वहां से कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी, तो सबसे बेसिक चीज है इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी आप कई बार पढ़ चुके हो, सबसे पहले UPSC का जो बंदा प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो लक्ष्मीकांत लेकर ही आता है, ठीक है, या DD बसु, मैंने एक्चुअली लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, DD बसु पहली बार मुझे मिला था, ठीक है, और लक्ष्मीकांत का मुझे पता नहीं था कि ये बुक कैसी है, तो DD बसु को ही मैंने पूरा पढ़ डाला है ना। तो सारी की सारी चीजें हैं उसमें, क्या इंग्लिश में आपको एक एक लाइन में बड़ा बड़ा लाइन होगा, एक एक फ्रेज करके उसका पैराग्राफ टाइप का लाइन होता है, लेकिन अगर आप शुरू से अगर पढ़ते जाओगे, मुझे वो अच्छी किताब इसलिए लगती है DD बसु की, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसमें आपको चैप्टर्स का लेंथ बहुत छोटा है, ठीक है, अगर आपको DPSP पढ़ना है ना, इंडियन ज्यूडिशियरी पढ़ना है, इंडियन ज्यूडिशियरी वो एक बार पढ़ाएगा, 20 में चल रहा है, 7 से 8 पेज होगा, तो एक मेंटल लेवल में कंफर्ट जोन आपका क्रिएट हो जाता है कि चलो मुझे ज्यादा देर का इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी आप ये लक्ष्मीकांत ज्यादा अच्छा है, सभी लोग रिकमेंड करते हैं, टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स भी करते हैं, ठीक है, तो इसमें लक्ष्मीकांत कर लो। फिर आप आओ इकोनॉमिक्स का मृणाल का वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो देख लो, नहीं तो यूट्यूब पे काफी वीडियोस पड़े हैं मृणाल के, है ना, तो इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल भैया से ज्यादा बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता यार UPSC फील्ड के लिए, मैं इस बात को 100 बार बोलता हूं और 100 बार 1000 बार और बोलूंगा, ठीक है, कि मृणाल जब तक है हमेशा स्टूडेंट को फेवर किए हैं, ठीक है, और वो उस टाइम से पढ़ाना शुरू किए हैं जब यहाँ पे कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता था, तो मृणाल सर का जो इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन है और अभी वो जो दे रहे हैं, सो दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, और आपको है सो उनका वीडियोज अगर मिल जाए तो कर लेना, कोई दोस्त अगर सब्सक्राइब किया होगा अनअकैडमी पर ले लेना, पायरेटेड चीज पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, है ना, और ये कहना भी उचित नहीं होगा कि आप कहीं से पायरेसी करके उसका वीडियो कहीं निकाल लो, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं वो, तो आप वो इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है उनका PPT कहीं मिल जाए तो वो चीज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और करेंट अफेयर क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स आपको वहां से काफी अच्छे लेवल पे मिल जाएगा और आपको एज इट इज क्वेश्चन भी वहां पे एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी अगर द हिंदू आपने पढ़ा है पिछले एक साल का, वेल एंड गुड, ओके, नहीं पढ़ा है तो आप विजन IAS का जो मंथली बुकलेट आती है वो लेकर पूरे 1.5 साल तक का,
मेंस एग्जाम हो रहा है पिछले में और पिछले जनवरी 2018 के जनवरी से लेकर सॉरी 2019 के जनवरी से इस साल के जनवरी से लेकर अगले साल के आप मई तक का पूरा करंट अफेयर करके जाएंगे तभी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे सर, नहीं तो नहीं बन पाएगा करंट अफेयर क्वेश्चन। बिल्कुल मैं ताल ठोक के जो कहना है वो मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल आया है 2019 में एक क्वेश्चन आया है एलटीई और वोल्टीन का क्वेश्चन है। अब ये चीज बड़ा कॉमन सा चीज है कि 4G फोन लॉन्च हुआ, कोई एलटीई करके बेच रहा है, कुछ वोल्टी करके बेच रहा है, तो क्या बेसिक डिफरेंस है? तो मैंने इसका गूगल सर्च करके देखा था एक बार, ठीक है, कि एलटीई वोल्टी में वॉयस अगर आप कर रहे हो वॉयस कॉल तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब होने के कारण, मतलब एक जगह से अगर बात कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्शन वहां डिस्टर्ब हो सकता है, उसके बाद एलटीई आया है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज जो है सो आपका कॉन्शियस होना चाहिए ब्रेन में कि हाँ सर अभी ये चल रहा है, ये इशू चल रहा है साइंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है, कल ना परसों पूछेगा ही पूछेगा, ओके। तो इस ढंग का चीज है सो आपको करंट अफेयर मिलेगा। और आफ्टर दैट इन करंट अफेयर यू विल हैव टू यूज द विजन आईएस मटेरियल फॉर योर 1.5 ईयर्स प्रिपरेशन, और इसके बाद टेस्ट सीरीज खूब सारा लगा लेना, विजन का लगा लेना, इनसाइट का लगा लेना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इतना अगर अच्छे से अगर रिलीजियसली आपने फॉलो कर लिया कोई नहीं रुकेगा सर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में। और 120 प्लस मैं लाया हूँ, 130 प्लस लाया हूँ दो बार, ठीक है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूँ, ठीक है, तभी आप अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हो फिर तभी आप ऑप्शनल का गेम में आ पाओगे, उसके रेस में आ पाओगे। सो हैव डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को कभी नेगलेक्ट मत करो, और प्रीलिम्स के लिए अभी से पूरा अपने आप को एनर्जी एक टाइम झोंकना शुरू कर दो। सो धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोग से विदा लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैथमेटिक्स का आने वाला है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब IAS Maths Academy। थैंक यू।